और इस बीच भरतपुर बैंक लूट मामले में अपडेट सामने आया है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तीन बदमाश वारदात को अंजाम देते आए नजर। दो बदमाश घुसे बैंक के अंदर, दोनों ने काउंटर पर चढ़कर हवाई फायरिंग की है। लूट के बाद तीनों बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हुए हैं। उद्योग नगर थाने इलाके में पीएनबी बैंक में लूट का ये पूरा मामला है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें तीन बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे। दो बदमाश घुसे बैंक के अंदर और दोनों ने काउंटर पर चढ़कर हवाई फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद तीनों ही बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हो गए। दोपहर 2:32 पर पहुंचे थे बदमाश और 2:36 पर काउंटर पर चढ़कर लूट की वारदात को अंजाम दिया और 2:40 पर फरार हो गए। 8 मिनट में पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वारदात का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दो बदमाश बैंक के अंदर घुसते हैं और उसके बाद काउंटर पर चढ़ जाते हैं। वारदात को अंजाम देने वाले तीन बदमाश जो है इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही हैं। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से ये आते हैं और वहां पर जो लोग हैं वो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और बाहर जा रहे लोगों को भी अंदर रोक दिया जाता है। और ये पूरी लूट की वारदात 8 मिनट में, इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया 8 मिनट में। बदमाश जो है बैंक के अंदर आते हैं, लूट पैसे लूटते हैं और वहां से फरार भी हो जाते हैं। दीपक संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। दीपक, देखिए एक सीसीटीवी फुटेज और घटना सामने आई है कि 8 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हैं। किस वक्त की ये पूरी घटना है? देखिए ममता, ये 2:36 पर तीनों बदमाश बैंक पहुंचते हैं जिसमें से एक बदमाश बैंक के बाहर गेट पर तैनात रहता है और दो जो हैं वो अंदर बैंक में घुसते हैं। पहले वो जाकर के स्लिप मांगते हैं, स्लिप मांग करके और जो बैठने की जो कुर्सी अंदर लगी हुई है बैंक में उस पर बैठ जाते हैं और 2:36 पर ये काउंटर पर जो कैशियर महिला है उसके पास जाकर के हवाई फायर करते हैं और जो मौजूद थे अंदर जो कस्टमर मौजूद थे उनको साइड में खड़ा करके हाथ ऊपर खड़े करवा के उनको एक तरह से बंधक बना लेते हैं और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देकर 2:40 पर ये बैंक से बाहर निकल करके फरार हो जाते हैं। यानी कि 8 मिनट में उस पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि जो दो बदमाश थे, जिस तरह कल भी हमने जिक्र किया था कि दोनों बदमाश नकाबपोश जो है वो अंदर घुसे, एक ने हेलमेट पहन रखा था, एक ने मफलर बांध रखा था, लेकिन बैंक के किसी भी कर्मचारी ने उनको अंदर जब वो बैठे थे तो नहीं टोका कि आप इस तरह मुंह छुपा करके क्यों बैठे हुए हैं। लेकिन जब वो महिला कैशियर और एक अन्य कर्मचारी है बैंक का वहां कैश काउंटर पर पहुंचते हैं, उसके बाद जब बैंक कर्मचारियों को शक होता है तो वो मुंह से कपड़ा हटाने को कहते हैं और इतने में एक बदमाश हवाई फायर करता है जो बैंक की छत में गोली लगती है और उसके बाद सारे डर जाते हैं, जो कस्टमर थे वो एक साइड हो जाते हैं और उसके बाद वो लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। 2:50 के लगभग पुलिस वहां पर पहुंचती है। दीपक, बैंक में कोई गार्ड मौजूद नहीं था? क्योंकि बैंक में अक्सर हम देखते हैं कि बाहर हथियार लेकर गार्ड मौजूद रहते हैं, इस बैंक में कोई मौजूद नहीं था क्या? ये बदमाश एंट्री भी कर रहे हैं, गेट पर भी निगरानी रख रहा है। देखिए बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि बैंक में कोई भी गार्ड तैनात नहीं था। अगर गार्ड तैनात होता तो वो जब ये अंदर घुसे थे तो इनको रोकता, किसी भी तरह की इस तरह की घटना नहीं होती, लेकिन इन्होंने रैकी करके इस वारदात को अंजाम दिया है। कोई भी गार्ड तैनात नहीं था और इससे पहले भी ये करीबन 15 दिन पहले की बात है कि जो बैंक के बगल में एटीएम है उसको सही करने के लिए एक मैकेनिक आया हुआ था और जब वो वापस लौट रहा था तो बदमाशों ने समझा कि उसके पास बड़ा कैश है, उसके पास बड़ा बैग है, तो उसको रोक करके लूट की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन उसके पास सिर्फ इक्विपमेंट थे जो एटीएम को सही करने के काम आते थे, लेकिन वो वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया था। लेकिन अब ये दोबारा से कल घटना घटी, हालांकि पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कराई, बदमाशों की जो फोटोज थी वो जो टीमें गठित की गई उनको दी गई। कितना सामान, कितनी रकम ये लोग लेकर यहाँ से फरार हुए हैं, क्या इसकी कोई जानकारी सामने आई है? कल लूट की जो वारदात हुई थी उसके बाद पुलिस पहुंची थी, खुद पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा वहां पहुंचे थे तो उन्होंने बैंक के जो कर्मचारी थे, मैनेजर थे अंदर, उनसे बात की तो सामने आया कि 23,500 रुपए की राशि जो कैश था उससे लूट करके बदमाश ले गए। लेकिन ममता, सबसे बड़ी बात है, बात यहाँ राशि की नहीं है, ये बात इस बात की आती है कि फिल्मी स्टाइल में आरोपियों ने अंदर बैंक में घुस करके और लूट की वारदात को इस तरह से अंजाम दिया, ये अपने आप में सबसे बड़ा। लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है
कि आरोपियों को ये लूट जो है वो बहुत भारी पड़ेगी, 23,500 रुपए की जो लूट है वो बहुत भारी पड़ेगी, आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा और किस तरह से उनके साथ में। ठीक है दीपक, अपने आप में बड़े सवाल और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है ये पूरा घटनाक्रम है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीर एक बार आप फिर देख लीजिए, कैसे आपको वहां पर तीनों बदमाश नजर आ रहे हैं। दो लोग आराम से चेयर पर बैठे हुए हैं, मुंह पर मास्क है, एक के मुंह पर हेलमेट है और तुरंत जैसे वहां से महिलाएं हटती हैं तुरंत कैशियर को परेशान किया जाता है।